हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं अभिषेक भार्गव, भार्गव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है 5 फरवरी छत्तीसगढ़ करंट अफेयर। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसके अंदर में होते हैं, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ आप सभी को मालूम है कि भार्गव क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेगा, तो जाकर आप ग्रुप ज्वाइन करिए भार्गव क्लासेस, वहीं से आपको सारे पीडीएफ जो है वो प्राप्त होंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि अभी तक आप लोगों ने भार्गव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस करिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आज के करंट अफेयर में। तो पहला प्रश्न है कि असम से कितने मादा वन भैंसा लाने के लिए छत्तीसगढ़ टीम रवाना। तो कितने जो है मादा वन भैंसा जो है असम से लाया जाएगा, तो कितने लाया जाएगा वो आपको बताना है यहाँ पर। तो सही आंसर होगा 5 जो है वन भैंसा जो कि मादा है उनको छत्तीसगढ़ टीम असम से लेकर आएगी, ठीक है। देखिए राजकीय पशु है वन भैंसा, आपको मालूम है प्रदेश से विलुप्त होता हो रहा है, प्रदेश में महज गिनती के ही वन भैंसे रह गए हैं। वन भैंसों की संख्या में संख्या बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा असम स्थित मानस नेशनल पार्क, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि कौन से नेशनल पार्क से, तो मानस नेशनल पार्क से मादा वन भैंसा ला रहे हैं। वन भैंसा लाने के लिए मंगलवार को वन विभाग की टीम असम स्थित मानस नेशनल पार्क के लिए रवाना हो गई। टीम तकरीबन 1 माह बाद 5 मादा वन भैंसे लेकर वापस लौटेगी, मतलब कि यहां पर बताया जा रहा है कि 1 महीने बाद वो 5 मादा वन भैंसा लेकर छत्तीसगढ़ वापस लौटेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है प्रदेश का चौथा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम कहाँ बनेगा। एस्ट्रोटर्फ का मतलब आप देख सकते हैं ये दिख रहा है ना आपको, ये है, ठीक है, एस्ट्रोटर्फ इसको कहा जाता है, ठीक। इंटरनेशनल लेवल पर जहां पर हॉकी खेला जाता है ये एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड होते हैं, ठीक। तो ये कहां पर बनेगा, प्रदेश का चौथा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम कहां पर बनेगा, तो ये दुर्ग में बनेगा। कहां पर बनेगा, दुर्ग में। पहला कहां है, तो राजनांदगांव में है। प्रदेश का चौथा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम दुर्ग में बनेगा। यहां हॉकी स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा जिसमें नेशनल गेम्स से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट भी होंगे। इसके लिए सरकारी स्तर की कागजी कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार ने भी दुर्ग के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। इससे पहले राजनांदगांव, रायपुर और बिलासपुर में एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम मौजूद है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है कि प्रदेश के किसानों के महत्वपूर्ण त्यौहार, ये बताना है आपको कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स के प्रथम मोबाइल एटीएम वैन का उद्घाटन करेंगे। तो ये त्यौहार कौन से त्यौहार में इन्होंने जो है उद्घाटन किसका किया, अपेक्स बैंक एटीएम, आपको दिख रहा है ये पहला बैंक एटीएम है, मोबाइल बैंक एटीएम। तो ये जो है कौन से त्यौहार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है इसका उद्घाटन जो है वो किया, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है हरेली। हरेली का त्यौहार जो होता है वो कौन सा त्यौहार होता है, छत्तीसगढ़ का प्रथम लोक पर्व जिसको कहा जाता है हरेली, ठीक है। आयोजन कब होता है इसका, श्रावण अमावस्या, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें इसके अन्य नाम क्या है, तो गेड़ी पर्व या नारियल फेंक पर्व ये भी कहते हैं हम इसको, हरेली को। और उद्देश्य क्या होता है इसके हरेली का, तो फसल की अच्छी पैदावार एवं सुख समृद्धि की कामना हेतु किसान क्या है पर्व के रूप में इसको मनाते हैं, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का पहला लोक पर्व कहलाता है हरेली, तो ये आपको याद रखना है। हरेली के टाइम पर, हरेली के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अपेक्स बैंक, ये भी आपको याद रखना है, के प्रथम मोबाइल एटीएम वैन का उद्घाटन किया, ठीक है। अब यहाँ सारी जानकारी तो मैंने आपको बता दी है, तो फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। प्रदेश के किसानों के महत्वपूर्ण त्यौहार हरेली पर 1 अगस्त को सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक के प्रथम मोबाइल एटीएम वैन का उद्घाटन करेंगे। यह समारोह मुख्यमंत्री निवास में आयोजित किया गया, ये हो चुका है, ठीक है, ये पहले का न्यूज है, तो ये हो चुका है, आपको ध्यान रखना है बस। देखिए एक नया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी टिक कर लेते हैं। देखिए क्या किया गया है, तो छत्तीसगढ़ रायपुर एनआईटी के छात्रों ने बनाया मक्के के आटे से क्या बनाया है। तो आपको बताना है कि मक्के के आटे से रोटी बनाया, चावल बनाया, कपड़ा बनाया, तो क्या बनाया। तो इन्होंने बनाया मक्के के आटे से प्लास्टिक, क्या बना दिया है इन्होंने, मक्के के आटे से प्लास्टिक बना दिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये प्रश्न है कि एनआईटी के छात्रों ने मक्के के आटे से क्या बनाया, प्लास्टिक बनाया। पढ़ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो रायपुर एनआईटी के 3 छात्रों निखिल वर्मा, कृष्णेंदु और निहाल पांडे ने इस प्लास्टिक को मक्के के आटा, मतलब स्टार्च से ग्लिसरीन और बेलेगर को मिलाकर यह बनाया है। इस बनाए गए प्लास्टिक से पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। यह प्लास्टिक 100% बायोडिग्रेडेबल यानी कि नष्ट होने वाला है। सिंगल यूज प्लास्टिक को नष्ट होने में 100 साल लगते हैं, यह प्लास्टिक 1 वर्ष में नष्ट हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आप लोगों के लिए, तो ध्यान रखिएगा। एनआईटी के छात्रों ने मक्के के आटे से प्लास्टिक बना दिया है। 5वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल कौन से मैराथन का शुभारंभ 8 फरवरी को करेंगे। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, 8 फरवरी को जो मैराथन होने वाला है अबूझमाड़ वाला, तो आपको बताना है कि कौन सा जो मैराथन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सही होगा,
पीस हाफ मैराथन, ठीक है, कौन सा मैराथन, तो पीस हाफ मैराथन। अबूझमाड़ को दुनिया के नक्शे में नई पहचान मिलेगी। जिला प्रशासन नारायणपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अबूझमाड़ पीस ऑफ मैराथन 2020 का आयोजन किया जा रहा है। इस दौड़ का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 8 फरवरी को करेंगे। हाफ मैराथन का आयोजन आदिम संस्कृति की संरक्षण स्थली अबूझमाड़ के विकास, शांति और इस क्षेत्र को विश्व स्तर पर एक सकारात्मक पहचान बनाने के लिए किया जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा ना आप डिटेल में भी पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद में आता है छठवां क्वेश्चन, दर्रेकसा की गुफा छत्तीसगढ़ में कहां स्थित है। तो दर्रेकसा की गुफा जो है छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में स्थित है, और ये गुफा आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं पिक्चर के माध्यम से। देखिए यहां पर ये गुफा दिख रहा है, लेकिन अभी ये गुफा ट्रेन के आवागमन में काम आता है, तो याद रखिएगा, ठीक है, दर्रेकसा गुफा, और ये चर्चा में रहा था अभी, ठीक है। ये आप पहले फोटो देखिए अच्छे से, दर्रेकसा गुफा राजनांदगांव में स्थित है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, तो स्वामी जी विवेकानंद की बात हो रही है यहां पर, दर्रेकसा के पास स्थित गुफा में पहली बार आध्यात्मिक अनुभूति हुई थी उनको। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, स्वामी विवेकानंद को दर्रेकसा के पास पहली बार आध्यात्मिक अनुभूति हुई थी। राजनांदगांव से करीब 77 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर यह गुफा हाजरा फॉल के पास है। अब इस पे अप लाइन की ट्रेन गुजरती है जो हावड़ा मुंबई रेलवे लाइन पर स्थित है। तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, इसी गुफा से 14 वर्ष की आयु में नरेंद्र मतलब स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम बैलगाड़ी से गुजरे थे। कौन से गाड़ी से, बैलगाड़ी से इसी गुफा के माध्यम से गुजरे थे, तो वो भी आपको याद रखना है। और आध्यात्मिक अनुभूति इसी दर्रेकसा गुफा में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ जेल में रहते चुनाव जीतकर सरपंच बना व्यक्ति कौन है। ये व्यक्ति दिख रहा है आपको यहां पर सफेद शर्ट में, यही जो है वो जेल में रहते हुए क्या किया है, इन्होंने सरपंच बना है चुनाव जीतकर, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इनका नाम बताना है आपको, तो इनका नाम है नरेंद्र यादव। क्या नाम है इनका, नरेंद्र यादव, जिन्होंने जेल में रहकर सरपंच चुनाव जो है वो जीत लिया है, ठीक है। अब देखते हैं इनका थोड़ा डिटेल, जिले के केंद्रीय जेल में बंद विचाराधीन बंदी नरेंद्र यादव ने सरपंच का चुनाव जीत लिया है। खास बात यह है कि नरेंद्र ने जेल में रहकर तिल्दा ब्लॉक के सद्दू गांव, ये भी आपको याद रखना, तिल्दा ब्लॉक के सद्दू गांव सरपंच के लिए चुनाव लड़ने का मन बनाया, चुनावी प्रक्रिया के औपचारिकताओं को पूरा किया और जीत हासिल की। जानकारी के मुताबिक सरपंच के चुनाव में कुल 5 उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश की थी, ठीक है। और ये जेल में रहकर इन्होंने चुनाव जो जीता है, तो प्रश्न जो है वो बन सकता है, नरेंद्र यादव नाम याद रखिएगा। आठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस नगर पालिका को स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये भी एक पुराना प्रश्न है, लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्योंकि आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ की किस नगर पालिका को स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तो जसपुर नगर पालिका को, ठीक है। स्वच्छता के लिए नगर पालिका परिषद जसपुर को यह सम्मान और पुरस्कार नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रदान किया गया। नगर पालिका के अध्यक्ष हीरू राम निकुंज यह पुरस्कार राष्ट्रपति के हाथों से प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर केंद्र सरकार के शहरी कार्यक्रम के राज्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे, तो याद रखिएगा, यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न था। नवा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में बच्चे के जन्म के उपरांत पिता की जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है, प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्रथम जिला कौन सा है। ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है, ये मैंने आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए ये प्रश्न लिया है। तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से इस प्रश्न का जो है कमेंट आंसर जो है कमेंट करना है, ठीक है। बहुत कम बच्चे जो आजकल कमेंट करते हैं क्योंकि उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं है लग रहा है, ठीक, या वो चाहते नहीं है आंसर करना। तो आप जितने लोग हैं जो चाहते हैं आंसर करना, जिससे आपका भी और आपके साथी का भी जिनको नहीं आंसर आता है उनका भी भला हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए मैं कई बार बोल चुका हूं कि पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो भार्गव क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा, वही ज्वाइन करेंगे आप तब तक नहीं मिल पाएगा। तो आप या तो सीख लीजिए किसी से टेलीग्राम क्या होता है, कैसे चलता है, उसके बाद भार्गव क्लासेस ज्वाइन करिए, वहीं पर आपको जो है सारे पीडीएफ आपको मिल जाते हैं। आज का भी पीडीएफ आपको मिलेगा, कल का भी पीडीएफ मिलेगा, लगातार जब से हम करंट अफेयर को डेली अपडेट कर रहे हैं तब तक का आपको आप उसमें देखते रहेंगे, तो आपको पूरा का पूरा पीडीएफ जो है वो प्राप्त हो जाएगा। और जनवरी माह का करंट अफेयर मैंने आप लोगों को बोला, लेना हो तो आप ले सकते हैं, लिंक के माध्यम से भी ले सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर जो मैंने दिया था 8962947235 में भी आप मैसेज कर वो मंगवा सकते हैं। देखिए वो फ्री नहीं है, वो 35 रुपये उसका प्राइस है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, तो आप फ्री में मांग कर ऐसा वो मत करें, ठीक है। 35 रुपये उसका प्राइस है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी के थ्रू भी आप वो कर सकते हैं, उसके बाद आपको वो मिल जाता है। इसी प्रकार वार्षिक करंट अफेयर भी आप इसी प्रकार व्हाट्सअप करके भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका प्राइस 70 रुपये है, तो आप वो भी ले सकते हैं। 2019 के सारे करंट अफेयर हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है उसका, आप सभी को मालूम है वो, तो आपको लेना है तो ले सकते हैं आप, ठीक है।
और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करिएगा, अगर नहीं अच्छा लगता तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कमेंट जरूर करिएगा क्वेश्चन का। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।